वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, नाने वरुवेन नाम का एक तमिल फिल्म देखा मैंने थिएटर में, धनुष का फिल्म है दोस्तों। वेरी गुड फर्स्ट हाफ, वेरी वेरी एंगेजिंग फर्स्ट हाफ, बट इक्वली डिजास्ट्रस, वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी एवरेज सेकेंड हाफ एंड अ वेरी वर्स्ट क्लाइमैक्स, प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स एंड वर्स्ट क्लाइमैक्स। मैं क्या बताऊं यार, मतलब फर्स्ट हाफ बांधे रखेगा आपको एंड जब इंटरवल खत्म होगा आपको लगेगा भाई ये कुछ अच्छा एक फिल्म में डेवलप हो रहा है। जो सेकंड हाफ ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है फर्स्ट हाफ के बेसिस पे, ये हम कह सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ जो नोज डाइव करता है यार, और सेकंड हाफ जो तुड़ु 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 करके जो नीचे गिरता है यार, ऐसा तुड़ु 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 करके, आई मीन एक बार नीचे गिर गया तो उठने का नाम ही नहीं लेता। एंड वो क्लाइमैक्स जो मैंने देखा, मैं बोला यार क्या क्लाइमैक्स है यार, मतलब ऐसा लगा कि यार हाँ यार क्लाइमैक्स दिखाना है, पिक्चर को खत्म करना है, चलो यार क्लाइमैक्स कर लेते हैं, वैसा एक क्लाइमैक्स लगा यार, बिल्कुल मजेदार नहीं लगा। एनीवेज, फर्स्ट हाफ में क्या अच्छा लगा मैं आपको बताता हूं। सी, फर्स्ट हाफ इज लाइक अ सुपरनैचुरल थ्रिलर कि भाई धनुष की बेटी है, वो किसी से अकेले कमरे में अकेले किसी से बात कर रही है। अब किससे बात कर रही है, क्या उसका कोई वहम है, इमेजिनेशन है, या उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, या फिर क्या कोई भूत प्रेत आत्मा है वो कमरे के अंदर जो ये बच्ची से बात कर रहा है, तो ये सब फाइंड आउट करने में धनुष लग जाता है फर्स्ट हाफ में। फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह आता है, जो भी आता है, तो जिस तरह से वो गोस्ट हंटिंग होता है उसमें टेंशन है, थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, एंगेजमेंट है, एंटरटेनमेंट भी है, मतलब अच्छा है। तो फर्स्ट हाफ का इंटरवल पॉइंट जब आता है ना यार, वो मतलब आपको एक्चुअली ग्रिप करके रखेगा। तो इसलिए फर्स्ट हाफ जब खत्म होता है ना आपको लगेगा भाई प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड सेकंड हाफ तो धमाकेदार होना चाहिए, बट सेकंड हाफ में जो वो दूसरा सी धनुष का डबल रोल है, तो पहला वाला धनुष फर्स्ट हाफ में, दूसरा वाला धनुष डबल रोल वाला दूसरा धनुष सेकंड हाफ में, तो वो दूसरा धनुष जैसे ही टेक ओवर करता है सेकंड हाफ में, और उसका जो भी यू नो स्टोरी दिखाया उन लोग ने एली अविराम को वगैरह लेकर, अरे यार मजेदार बिल्कुल नहीं लगा यार, बिल्कुल कुछ मजा नहीं आया। एंड देन ऑफकोर्स जो स्टोरी जिस तरह से खुला कि क्या है ये भूत प्रेत का एंगल, आत्मा का एंगल क्या है ये, मतलब सुपर नेचुरल एंगल, एंड देन ऑफकोर्स जिस तरह से जो भी मतलब रिवील हुआ सेकंड हाफ में एंड देन दैट क्लाइमैक्स दैट फॉलोड इट जस्ट किल्ड द जॉय ऑफ वॉचिंग द फिल्म यार। द जॉय दैट आई एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट हाफ गॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड, वैनिश्ड इन द सेकंड हाफ बिकॉज ऑफ द वेरी बैडली रिटन सेकंड हाफ एंड दैट वर्स्ट क्लाइमैक्स। तो दोस्तों, फर्स्ट हाफ के टाइम पास के लिए, फर्स्ट हाफ के एंगेजमेंट के लिए आप देख सकते हो, सेकंड हाफ अगर आप नहीं भी देखोगे मतलब आप सो भी जाओगे तो भी ज्यादा कुछ आप मतलब ऐसा मिस नहीं करोगे यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अच्छा क्या है बाकी फर्स्ट हाफ के अलावा, दूसरा अच्छा चीज है धनुष का एक्टिंग, दोनों डबल रोल्स में सुपर्ब एक्टिंग किया, मतलब यार वो कन्विंसिंगली उन्होंने मतलब अपने को ऐसा यकीन दिलाते हैं धनुष उनके एक्टिंग द्वारा कि भाई ही इज प्लेइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये तो अक्सर क्या है यार, दोनों को एक ही रोल में देख के, एक ही एक्टर को दोनों रोल में देख के, दोनों को एक ही रोल में देख के बोल रहा हूं, एक ही एक्टर को दो अलग अलग रोल्स में देख के कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि यार ये यू नो दो अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इसमें दो अलग अलग कन्विंसिंगली डिफरेंट परफॉर्मेंस जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ धनुष ने दिया वो देखने में मजा आया। दूसरा वाला धनुष और पहला वाला धनुष, पहला वाला धनुष थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, सटल है, दूसरा वाला धनुष थोड़ा एग्रेसिव है, यू नो तो उनका अलग सा एक बिहेवियरल पैटर्न है, वो सब धनुष ने बहुत अच्छे से दिखाया है, वेरी वेरी नाइस टू वॉच। अब इसमें और एक अच्छा चीज है, युवन शंकर राजा का म्यूजिक वेरी गुड, स्पेशली बैकग्राउंड स्कोर बहुत बहुत बढ़िया लगा, बट यार जब सेकंड हाफ अच्छा नहीं होता है ना वो पूरा फिल्म को ऐसे नीचे गिरा देता है। वो फाउंडेशन सेकंड हाफ पे तो बिल्डअप होता है यार, फर्स्ट हाफ आप कितना भी अच्छा ले लो अगर सेकंड हाफ एंड क्लाइमैक्स अच्छा नहीं है तो क्रम्बल हो जाता है यार। कभी कभी क्या होता है फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं लेकिन सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स सुपर्ब रहता है तो यार लोग हंस के एक स्माइल लेके बाहर निकलते हैं यार, तो वो स्माइल तो था नहीं मेरे चेहरे पे, बट हाँ धनुष का परफॉर्मेंस, युवन शंकर राजा का म्यूजिक एंड फर्स्ट हाफ बढ़िया लगा। आई एम गोइंग विद 2 स्टार्स फॉर दिस फिल्म। अगर आपने देखा है फिल्म तो मुझे लिखकर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा एंड ऑफकोर्स धनुष का परफॉर्मेंस कैसे लगा, क्या अच्छा लगा क्या नहीं, जो भी है लेट मी नो। एंड ऑफकोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।